हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्ज़ाम। तो सभी एग्ज़ाम जो इंट्रेंस एग्ज़ाम है बदलाव कर दिया गया है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसके आगे क्या होगा उसको भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो हम लोग देख लेते हैं कि इंट्रेंस एग्जाम को लेकर क्या बड़ी खबर है। तो देख लेते हैं क्या बड़ा बदलाव भी किया गया है। देखिए, जैसे कि आप देख रहे होंगे, देखिए इसमें कहा गया है विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए अब एक परीक्षा होगी। तो क्या होगी, आपका एक एग्जाम कराया जाएगा, ये कहा गया है। तो आगे देख लेते हैं, शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को सौंपा जिम्मा। तो किसको सौंपा गया है जिम्मा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को सौंपा गया है। स्नातक के गैर तकनीकी, जो गैर तकनीकी होंगे नॉन टेक्निकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश की बदली व्यवस्था, टेक्निकल के लिए नहीं, ये नॉन टेक्निकल के लिए है। तो आगे देख लीजिए क्या कहा गया है। आगे कहा गया है इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली जेई और नीट जैसी परीक्षाओं की तर्ज पर अब विश्वविद्यालयों में स्नातक के गैर तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET होगा। तो देखिए, अब आपके जो नॉन टेक्निकल विश्वविद्यालय में जो एंट्रेंस होता है वो आपका CET द्वारा होगा। अब आपका एक एग्जाम कराया जाएगा, जैसे JEE एडवांस होता है, JEE कराया जाता है और नीट कराया जाता है। तो आगे देख लेते हैं, इसकी शुरुआत अगले साल यानी शैक्षणिक सत्र 2021-22 से होगी। तो कब से होगी, 2021-22 से इसकी स्टार्टिंग होगी। हालांकि शुरू में इनमें सिर्फ केंद्रीय विश्वविद्यालयों को ही शामिल किया जाएगा। तो स्टार्टिंग में किसको शामिल किया जाए, स्टार्टिंग में केंद्रीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया जाएगा, लेकिन आने वाले वर्षों में इनमें सभी विश्वविद्यालयों व कॉलेजों को शामिल किया जाएगा। तो पहले शामिल किया जाएगा केंद्रीय विश्वविद्यालयों को, इसके बाद सभी विश्वविद्यालयों व कॉलेजों को शामिल कर लिया जाएगा। तो आगे देख लेते हैं, आगे कहा गया है शिक्षा मंत्रालय ने इन परीक्षाओं को कराने का जिम्मा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA को सौंप दिया है। तो जिम्मा किसको सौंपा गया है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA को दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET की सिफारिश करने के बाद, आगे देख लेते, शिक्षा मंत्रालय ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। वैसे भी मंत्रालय इन दिनों नीति के सुझावों को तेजी से आगे बढ़ाने में जुटा हुआ है। तो देखिए, जैसे NTA से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक योजना पर तेजी से काम चल रहा है। तो इस पर तेजी से काम चल रहा है, राज्यों के साथ भी चर्चा की जा रही है। सूत्रों की माने तो NTA की ओर से कॉमन एंट्रेंस टेस्ट शुरू होने के बाद सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को इसमें शामिल होने का प्रस्ताव दिया जाएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए संयुक्त परीक्षा की योजना वैसे पुरानी है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपके एग्जाम में क्या बदलाव किया गया है। तो देखिए, आपका क्या होगा, अब आपके जो विश्वविद्यालय में एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो भी नॉन टेक्निकल पाठ्यक्रमों के लिए, जो आपका नॉन टेक्निकल सिलेबस होते हैं उसके लिए अब आपका एक एग्ज़ाम कराया जाएगा। और आपको किसको जिम्मा दिया गया है आपको मालूम है, तो स्नातक के गैर तकनीकी पाठ्यक्रम प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं और ये पेपर कटिंग मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।